फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के थर्ड चैप्टर के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो है कि विभवमापी के दो उपयोग लिखे। विभवमापी का डिफिनेशन आप लोगों ने पीछे पढ़ाई पढ़ रखा है कि विभवमापी किस प्रकार होता है। तो इसमें एक तार होता है ए बी, अगर हम ऐसे जल्दी जल्दी बना दे तो एक तार ए बी होता है, ठीक है। इस ए बी का कनेक्शन ए जो होता है, ए का कनेक्शन एक प्रकार के यहाँ सेल से कर दिया जाता है जो उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, और एक यहाँ पर धारा नियंत्रक से ऐड कर दिया जाता है। एक और ए का कनेक्शन जोड़ा जाता है एक और अन्य सेल से, जिसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। तो ये ई डैश हो गया और ये हो गया ई, ठीक है। यही हमारे पास विभवमापी है टोटल। तो विभवमापी के सहारे हम क्या करते हैं, विभवमापी का दो उपयोग। तो सबको तो ये जनरली उपयोग तो पता ही है कि विभवमापी के द्वारा विभवांतर मापा जाता है, सेलों का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। बट अब यहाँ पर क्या है कि इसमें दो अलग अलग है, मैंने यहाँ दो अलग अलग, क्योंकि ये दोनों आपको 5 मार्क्स में पढ़ने हैं सेकंड ईयर में, आप सॉरी सेकंड ईयर ही चल ही रहा है, तो आपको पढ़ने हैं जो थर्ड चैप्टर में लास्ट में 5 नंबर या 2 क्वेश्चन पढ़ना है, वही अनुप्रयोग मैंने यहाँ दे दिया है। पहला, विभवमापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है। मीन्स आपको यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है तो इसकी जगह पे कितना सेल लगा दीजिए, 2 सेल लगा दीजिए, कितना सेल, 2 सेल, और एक चेंजर के सहारे इन दोनों सेल को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हमारे पास चाहिए तो एक E1 और एक हो गया E2, E1 से धारा प्रवाहित करना E1 से करेंगे और E2 से करना तो E2 से करेंगे, तो दो तुलना किया जाता है। और दूसरा नंबर, हम इसके द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को जो हमने यहाँ पर ये किया, इसमें यहाँ चेंजर हटा करके डायरेक्ट जोड़ करके एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया जाता है आरबी जोड़ करके, तब हम इसमें से करते हैं, तो हमें इसके द्वारा हमें इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो दो इसके विभवमापी के दो उपयोग है। पहला नंबर, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है। दूसरा नंबर, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। और एक तो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि विभवमापी के द्वारा हम इसके सेल के विद्युत वाहक बल को भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इसे समझ में आ गया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।